भाई। तो भाई मैं गलत बात बोला कि आपका कलीमा नहीं है? झूठ क्यों बोला आपने कि आपका कलीमा नहीं है? अरे कौन सा कलमा है भाई? भाई हमारा कौन सा कलमा है यार? कौन सा कलमा है भाई? हम पहला कलमा तैयब, छह कलमे पढ़ते हैं आप लोगों की तरह। हमारा कौन सा कलमा है भैया? अमीरुल अलीयुल, हेलो हेलो, आपका जो कलीमा है अलीयुल अमीरुल मुमिनीन अलीउल्लाह, ये आपका कलीमा नहीं है? हेलो भाई, अल्लाह बना लेते हो कभी हजरत अली को अल्लाह बना लेते हो कभी, कैसा ना हो कल आप किसी और को भी अल्लाह बना एक लो काम भाई। करते हैं, गलत गलत बात है। हेलो, आपके गिनान में लिखा हुआ है हजरत अली को अल्लाह मानते हैं? कहाँ लिखा है? बोला अपने मुँह से। मेरे गिनान में लिखा हुआ ना मेरे भाई। अरे गिनान में यदि क्या 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 अजीब अजीब कोई कहानियां लगा रहे हो आप लोग। गिनान में कहा आपको गिनान दे दो, दे दो भाई गिनान क्यों नहीं दो, मुझे पता तो चले अपने काम में अल्लाह बना दे किसी को यार। हाँ कर तो आप ये नहीं पढ़ते? हाँ कर तो वो हाँ कर तो रब तो ऐसे बात बताए। अच्छा मुझे एक बात बताए, एक बात बताए, आपने गिनान है नहीं गिनान, आपका गिनान है नहीं गिनान। हाँ कर तो पाक रब तो रहमान तो वो अली तो है। नहीं 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 आप मेरी बात सुने, हम जो दुआ पढ़ते हैं उसमें पहला अल्लाह याद है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम तो पहला अल्लाह का नाम लेते हैं भाई। क्या हो गया आपको? अल्लाह का नाम लेकर दुआ शुरू कर देता आपने? अली भाई एक मिनट अली भाई। अच्छा आपको आपको दुआ आती है, इस्माइली दुआ का तर्जुमा पता है आपको? क्या समझाओ तर्जुमा? नहीं आप समझाए तर्जुमा। चलो चलो मैं दुआ का आपको मैं आपको दुआ का पांचवा पाठ सुनाता हूँ, उसका तर्जुमा बताइए जरा मुझे, ठीक है? आपकी दुआ का जो पांचवा हिस्सा है। तकलीफ है ना, मैं क्यों भाई? मैं तो सुना रहा हूँ ना भाई, सुनाओ ना। आप समझाओ, समझाओ मुझे, समझाओ। देखिए आपका दुआ का जो पांचवा आपका दुआ के जो पांचवा हिस्सा है वो इस तरह है, या इमाम जमान या मौलाना अंत कुवती व अंत सनदी व अलैकतिकली या हाजिर या मौजूद या शाह करीम अल हुसैनी अंतल इमामुल हक्कुल मुबीन। अब इसमें आप इसका तर्जुमा पता है आपको भाई? नहीं आप बताए ना मुझे तर्जुमा बताए। अरे भाई मैं इस्माइली नहीं हूँ भाई, मैं मुस्लिम हूँ भाई, मैं मुस्लिम हूँ इस्माइली नहीं हूँ भाई। आपको जब आप इस्माइली है भाई, तो जब आप मुस्लिम हो तो आप हमारी दुआ क्यों पढ़ रहे हो भाई? आपको क्या तकलीफ है हमारी दुआ से? इसमें क्या बता दें, क्या क्या इसमें आपको तकलीफ है बताओ, क्या इसमें? अरे भाई आप बताओ, इस्माइली है आप, तर्जुमा जानते होंगे ना भाई? मुस्लिम नहीं है। अरे भाई जो शिर्क करेगा मुस्लिम कैसा होगा? शिर्क तो आप कर रहे हो भाई, शिर्क में एक शिर्क का मतलब क्या? अरे भाई जो अल्लाह के सिवा किसी और को इबादत में शरीक, अल्लाह के सिवा किसी और को इबादत में शरीक करे वो शिर्क है ना भाई? क्या हो गया यार, अल्लाह की इबादत करते हैं हम, बाबा को की तरफ से लगा रहे भाई, क्या मतलब आप इमाम की इबादत नहीं कर सकते आप? क्या या इमाम जमान, इसमें अल्लाह का लफ्ज कहां है बताइए जरा? ये दुआ का जो पांचवा हिस्सा है आपका उसमें अल्लाह का लफ्ज कहां है? अरे भाई या इमाम जमान या मौलाना कुवती भाई जहां पासनदी व अलैकति काली या हाजिर या मौजूद या शाह करीम और छोड़े इसका भाई, इसका इसमें अल्लाह का लफ्ज कहां है भाई? ओ भाई इसमें अल्लाह का लफ्ज कहां है? छठा छठा पार्ट आपकी दुआ पूरी पता है मुझे, ये आप पहले जो इस्माइली जो दुआ का पांचवा हिस्सा है उसका तर्जुमा बताइए। अरे भाई तर्ज जल्दी जल्दी बताइए, टाइम नहीं, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए ना, हम बिस्मिल्लाह नहीं कर रहे। नहीं मैं तो भाई आपकी बकवास होती है, आपको अल्लाह का नाम लेते हो भाई, उसके बाद अल्लाह के साथ में शरीक करते हाजिर इमाम को भाई, क्या ये दुआ है क्या है तुम्हारी? भाई आप बता, आप मुझे बताए इसमें क्या क्या बोल रहे, बताओ बताओ क्या बोल रहे हैं आप, बताओ ना अपने मुंह से बताओ। अरे भाई मैं अगर मैं जानता तो आपको बता देता ना भाई। आप इस्माइली आपको हदीस में पढ़ा है? रिलीजियस नाइट स्कूल में आपने नाइट स्कूल में पढ़ा है कि नहीं? रिलीजियस नाइट स्कूल में लगे क्यों खड़े हो? ठीक है मैं आपको तर्जुमा सुनाता हूँ, चलिए इस्माइली पार्ट का तर्जुमा सुनाता हूँ मैं, ठीक है? अभी इसका तर्जुमा ये है, मुझे आता नहीं है।
आपने सुना तो ना, आपको आपको नहीं आता ना, इसलिए आपको सुना रहा हूँ। आपने तो कहा मुझे आता ही नहीं है, तो बता आप झूठ बोल रहे हो इधर, मतलब आप झूठ बोल रहे हो, आपको क्या आपको नहीं आता, मतलब बोल रहे हो आप आपको नहीं आता बोल रहे हो, मतलब आपने पढ़ा नहीं है, आप कितने पढ़ा नहीं बोल रहे हो ना, मतलब आप जो बोल रहे हो ना, ठीक है आप तो झूठ बोल रहे हो ना भाई, पांचवा हिस्से का जो तर्जुमा है वो हाँ पूजा ही है ना, जमात खाने जमात खाने और पूजा करते हैं, बता किस तरह पूजा करते घंटी बजाते हैं, घंटी बजाते इंडिया में हिंदुओं ने आजिमा की पूजा की थी, वो उनकी मोहब्बत है, उनको नहीं बोल सकते हिंदू को भाई, आप भजन भजन बोल नहीं पड़ते, गिनान भजन नहीं पड़ते, आपका गिनान जो भजन है ना वो तो आप पढ़ते है ना जमाने, बात करते हैं हम क्यों क्या सिखा रहे हो भाई आप, जो हाफिज़े कुरान है वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं, आप खानी माशाल्लाह होशियार है, मैं कोई वो नहीं करना भाई आप लोगों से, कि आप लोग की तरह नहीं, कि लड़ो लड़ो लड़ाओ इन सबको, ये आप लोग काम है आप लोग करते रहो, इसका इंशाल्लाह अंजाम ही बहुत जल्द देखोगे, इंशाल्लाह बहुत जल्द देखोगे, नहीं ना मैं कोई गलत बात लड़ रहे नहीं भाई, आगे खोल रहे भाई, ओ भाई अरे आगे क्या जमात खाना की खोलो ना, जमात खाना की खोलो ना आके हमारी, अरे जमात खाना में अलाउड ही नहीं आने को, जमात खाना में अलाउड ही नहीं हमको आने को, क्यों अलाउड नहीं भाई, जमात खाना हमको आने का अलाउड नहीं है, आप तो यहाँ मेरे से बात करने नहीं आ रहे, नहीं नहीं आप तो मेरे से बात करने नहीं आ रहे, जो जमात खाने से हमारे लिए परमिशन लेके आओ, जमात खाने से हमारे लिए परमिशन लेके आओ, हम आते हैं उधर आ सकते हैं, हमारे चेहरे पे दाढ़ी है, हमारे चेहरे पे दाढ़ी है, सुन्नत है, टोपी है, जुब्बा है, हमको अलाउड करेंगे भाई, ठीक बात, दाढ़ी क्यों रखते हो आप, तो बताओ सुन्नत है भाई, नबी ने रखी है, सुन्नत है, नहीं नहीं तो चेहरे पे दाढ़ी क्यों नहीं भाई, आपके चेहरे पे दाढ़ी क्यों नहीं भाई, अच्छा अच्छा आप लोग दाढ़ी को सुन्नत को फॉलो करते, जब जिसको देख के फॉलो करते उन्होंने भी दाढ़ी रखी है, बता दो आप मुझे, अरे बाप रे बाप, आपको पता नहीं हुजूर की चेहरे पर सुन्नत थी, दाढ़ी रखी थी उन्होंने, उनकी जुल्फे थी, क्यों रखी थी ये बताओ ना, मैं ये तो पूछे क्यों रखी थी ये बताओ, अरे क्यों रखी थी भाई, तो अरे भाई क्यों रखी थी, तो वो लगे नबी के भाई उनके वो रखे थे, अभी उनको हम फॉलो कर रहे हैं ना भाई, नबी को फॉलो कर रहे हैं, आप किसको फॉलो कर रहे हो भाई, आप किसको फॉलो कर रहे हो, आज आपके नबी ये बोलते थे कि लोगों को वापस में या घर एक्सपोज कर बोल रहे, तो हसन अली शाह जो आगा खान, हेलो हसन अली शाह जो आगा खान, आपके वो नबी बोलते थे कि आप जाओ भाई करके वापस कर आओ, हसन अली शाह जो पहले आगा खान थे उनकी दाढ़ी थी भाई, ओ भाई करके फोन पे तो कोई बात बन जाए, मैं बोलो हसन अली शाह आपके इमाम आगा खान जो आगा खान फर्स्ट उसकी उनकी दाढ़ी थी नहीं थी हसन अली शाह, मैं आपको बताता हूँ दाढ़ी क्यों थी, दाढ़ी इस तरह से कि दाढ़ी से जो ना गंदी हवा घूम रही जाती है, रखते थे तभी आज हम उनको फॉलो करते भाई, मैं ये समझा रहा हूँ, ये नहीं पता है आपको कि वो दाढ़ी क्यों रखते थे, तो थे भाई तो वही वो नहीं रखता होगा ना भाई, आगा खान साहब की दाढ़ी किधर है मेरे भाई, वही पूछ रहा हूँ ना, अभी जो करंट इमाम है उसके मुंह में गंदी हवा नहीं जाती, क्या पूछ रहे हो भाई, अभी जो हाजिर इमाम है उसके मुंह में गंदी हवा नहीं जाती, उसने क्यों नहीं रखी है, गंदी हवा में मर जाती है, अच्छा दाढ़ी नहीं रखना गुनाह है, मतलब एक बात बताए, अच्छा एक बात बताए, दाढ़ी नहीं रखना गुनाह है, नहीं तुमने कहा दाढ़ी नहीं है उसका, कि जो आगा खान फर्स्ट है उसने दाढ़ी इसलिए रखी नहीं आती, इसके लिए गुनाह है, अभी तक दाढ़ी नहीं आ रही भाई, उसकी दाढ़ी नहीं, उसके सारे बच्चों की दाढ़ी नहीं आ रही, वो लोग कौन इस सवाल का जवाब के मतलब वो लोग नहीं बोलते कि नबी हाजिर इमाम बोलता है, भाई वो कल आपके हाजिर इमाम जो है, आपके हाजिर में जो नए बोलते हैं वो नबी की नस्ल से हैं, दूसरे लोग नहीं बोलते हैं नबी की नस्ल से, वो खुद बोल रहे हैं मैं नबी की नस्ल से आया हूँ, तो दाढ़ी क्यों ना चेहरे पे उनके भाई, दाढ़ी क्यों ना, क्या पूछ रहे हो भाई, मैं जाके तो भाई अरे आप उनके मुरीद है भाई, आप उनके मुरीद है, आपको आपका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है उनसे, आपके हाजिर नाजिर मुरीद है, तो जो इमाम है भाई, पूछो अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं
एक बात बताओ जो मेरे आपके हाजर इमाम है ना भाई, वो हाजर नाजर है, आप लड़ाई ना करो, आप उनके मुरीद है भाई, आप ये ना करो, वो सब छोड़ दूं, मैंने वो सब छोड़ दूं जो मुझे मौला कह रहे सही काम, मुझे जाके उनसे ये पूछूं कि आप दाढ़ी क्या क्या सही काम कर रहे हैं, जमात खाने में क्या कर रहे हैं, जमात खाने में क्या सही काम कर रहे हैं आप, क्या 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 गलत काम करे बताओ ना आप, शिर्क और बिदात होता है, मजलिस छाटा, मेहमानी नांदी, जोरा, सुकरी, दावे शर्मा प्याला, और औरत और मर्द का डांस करना जमा खाने के बाद, जमा खाने के अंदर डांस करना, ये लिपस्टिक लाली पाउडर लगा के आना, मॉडर्न ड्रेस में आना, और कुछ बताने का बात सुने होता है, मैंने खुद देखा है भाई, मैं जब इस्माइली था मैंने खुद देखा है डांस जमात खाने में होता है, और हाजिर उनकी फोटो लगी हुई जमात खाने में, वहां पर डांस कर उसको देख के डांस कर रहे हैं, मैंने खुद देखा है, ये मैं गवाह हूँ, मैं खुद देखा हूँ, मेरा वीडियो, मेरा वीडियो भी है उसका, मैं गवाह हूँ। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ ना, आप ये फोन वोन छोड़े, आप आए फेस टू फेस, हमारी आवाज पसंद नहीं है, हमारी आवाज, मेरी आवाज पसंद नहीं है आपको, मेरी आवाज पसंद है कि नहीं, मुझे लगता है आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं, इसलिए आपने फेस टू फेस बात, मेरी आवाज, हाँ ये बात आवाज आपको मेरी शक्ल, देखिए मेरी आवाज बहुत अच्छी आ रही है, क्लियर आ रही है, आपको सुननी पड़ेगी और कुरान पढ़ना पड़ेगा आपको और अमल करना पड़ेगा। आप जो है ना एक बात नहीं करनी है मुझे, अगर बात नहीं करनी है बात क्या कर रहे हैं आप, एक टॉपिक और बात नहीं कर रहे, आप इधर से उधर उड़ी मार रहे, मैं आपसे क्या पूछ रहा था, कह रहा हूँ फेस टू फेस बात, इस्माइली दुआ का, इस्माइली दुआ का जो तर्जमा आया है, इस्माइली दुआ जो पांचवा हिस्सा है आपका, इस्माइली दुआ का उसका तर्जुमा आपने बताया नहीं भाई, तो भाई मुझे आप जो बोल रहे हो आपको तकलीफ है, आप मुझे बताओ ना अगर मैं गुमराह हूँ, आप समझाओ मुझे। अच्छा ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, इस्माइली दुआ का जो पांचवा हिस्सा है वो इशारा उसका तर्जुमा है, या इमाम ज़मान, यानी कि या आप इमाम को पुकार रहे, या इमाम ज़मान हाथ उठा रहे हैं और पुकार रहे, या इमाम ज़मान यानी कि हाजर इमाम को पुकार रहे हैं आप, या मौलाना अंत कुवती, ए हाजर इमाम मुझे कुवत दे, या मौलाना अंत सनद, ए अल्लाह मुझे ताकत दे, या हाजर इमाम मुझे ताकत दे, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, या हाजर इमाम मुझे ताकत दे, वाले कति काली तेरे सिवा और कौन होता है, तेरे सिवा कौन है जो तेरे पे मुझे भरोसा है पूरा कि मुझे ताकत और कुव्वत देगा। अब इसमें जो है, इसमें अल्लाह का लफ्ज कहाँ है बताइए, आप डायरेक्टली हाथ उठाकर जो है या इमाम जमान बोल रहे हैं, यानी कि हाजिर को पुकार रहे डायरेक्टली आप हाथ उठाकर, शिर्क है ना भाई, अल्लाह के साथ में आपने हाजिर को जोड़ दिया है, शिर्क है भाई, आपको हाथ खोल के पढ़िए ना, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करेंगे और सिर्फ तुझी से मदद मांगेंगे, ये हम बोलते कि नहीं बोलते सूरह फातिहा में, बोलते ना, तो ये दुआ में ही बोलते हैं भाई, हाँ तो ये हाजिर हम कहाँ से पीछे आ गए भाई, ये हाजिर हम कहाँ से पीछे आ गए भाई, बीच में कहाँ से आ गए हाजिर इमाम, खराब हो गया अभी फोन आपका, खराब हो गया, तो कह रहा हूँ ना सामने सामने बात करते ना भाई, कितनी अच्छी आवाज है मेरी, कुरान कुरान शरीफ की तिलावत करो भाई, कुरान पाक की तिलावत करो, ओ भाई